मारुति सुजुकी ओमनी है फ्रेंड्स ये कार, और इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट सी एन जी लगा हुआ है, पर ये गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाड़ी को लगाते हैं सेल्फ फ्रेंड्स। तो इग्निशन ऑफ ऑन है, अभी करते हैं ऑन फिर से। तो आप देख सकते हो लाइट और इम्यूबलाइजर का लाइट परफेक्ट है। ओमनी के अंदर ज़्यादातर ये दिक्कतें आती है इम्यूबलाइजर की, लेकिन ये ओके। सेल्फ लगाते हैं तो उसके अंदर हमारा बैटरी भी परफेक्ट है। तो गाड़ी इस तरीके के स्टार्ट होने के बाद बंद हो जा रही है और कभी स्टार्ट भी नहीं होती है, ये बंद हो जाएगी अभी आप देख सकते हो, और रेस भी नहीं ले रही है। मैं पूरा रेस ले रहा हूँ यहाँ पे, गाड़ी इस तरीके के फील रही है। अभी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन पूरा रेस नहीं ले रही है गाड़ी, और बंद हो जा रही है और थोड़ी देर के बाद चालू ही नहीं होती है फ्रेंड्स। तो ये गाड़ी को हमने चेक कर रहे हैं सबसे पहले, तो उसका स्पार्क प्लग चेक किया, उसका टैपेट भी चेक किया, और फिर भी गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, और स्पार्क प्लग पे करंट भी सही तरीके से आ रहा है। और गाड़ी का पूरा रिव्यू हमने कस्टमर के पास हिस्ट्री लिया, तो कस्टमर का कहना ये था कि हमारे पास ये बेल्ट है जो अल्टरनेटर का, वो दो दिन पहले टूट गया था, और टूट जाने के बाद गाड़ी थोड़ा सा गर्म हुई थी, लेकिन गर्म होने के बाद गाड़ी चलती परफेक्ट थी। हम अहमदाबाद ले गए, तो अहमदाबाद लेके जाने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई रास्ते में, तो गाड़ी को खींच के लाए वर्कशॉप पर। तो फ्रेंड्स टैपेट भी चेक कर लिया परफेक्ट है, और स्पार्क प्लग भी चेक कर लिया परफेक्ट है, टैपेट को भी सेटिंग कर लिया थोड़ा सा, और स्पार्क प्लग न्यू ही डाल दिए। ओके, तो गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मेरे पास ज़्यादातर इस तरीके के दो तीन बार प्रॉब्लम आया, तो इस बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर। तो फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सारी लाइटें आ रही है, पेट्रोल भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है, और सेल्फ लगाते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कभी कभी हो रही है, तो थोड़ा सा स्टार्ट होने के बाद गाड़ी बंद हो जा रही है, रेस ले रही नहीं है। तो करते हो स्टार्ट, आप देख सकते हो। तो मैं जब स्टार्ट लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इस गाड़ी के अंदर मेरे को एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है कि गाड़ी के अंदर इनलेट का जो एयर वैक्यूम होना चाहिए उसका नॉइज थोड़ा सा दबा दबा हुआ आ रहा है, यानी कि जो एग्जस्ट है जो निकलना चाहिए धुआं वो निकल नहीं रहा है। तो मैं इस गाड़ी के अंदर क्या करना हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर मैं इसका साइलेंसर खोलने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये साइलेंसर यहाँ पर लगा हुआ है ओमनी का, तो ये खोलते हैं यहाँ से, ये दो बोल्ट खोल रहे। तो इस जगह पे ओमनी का साइलेंसर है, तो उसको हम खोलने वाले हैं फ्रेंड्स, और खोलने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास इको में भी इस तरीके के प्रॉब्लम आए, पहले वान के अंदर भी आए, लेकिन वान का वीडियो नहीं है तो बना रहा हूं मैं। जो गाड़ी के अंदर कैटलिक कन्वर्टर लगा हो इस गाड़ी के अंदर, वो कभी जाम हो जा रहा है। तो जो जाम हो जा रहा है कैटलिक कन्वर्टर, तो गाड़ी का धुआं पीछे की ओर नहीं आ रहा है, यहाँ पर साइलेंसर पर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो वो परफेक्ट निकलेगा एग्जस्ट, तो इनलेट भी परफेक्ट होगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फुल साइलेंसर, तो फ्रेंड्स दोनों बोल्ट निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसका साइलेंसर का बोल्ट ओपन हो चुका है, निकाल दो साइलेंसर, साइड में रख लो। तो फ्रेंड्स हम ये साइलेंसर साइड में रख लिया है अभी, और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो बाहर निकल जा, तू बाहर निकल जा। तो फ्रेंड्स गाड़ी का साइलेंसर हमने अभी यहाँ पे निकाल दिया है, और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है अभी, और गाड़ी एकदम परफेक्ट स्टार्ट है। बंद करके फिर से सेल्फ लगाते हैं फ्रेंड्स। गाड़ी बिना एक्सलेटर के स्टार्ट है, और स्टार्ट होने के बाद पूरा रेस ले रही है, गाड़ी परफेक्ट पावर में हो चुकी है फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से सेल्फ लगाता हूं, तो फ्रेंड्स एकदम गाड़ी परफेक्ट है, और इस गाड़ी के अंदर साइलेंसर का ही दिक्कत है। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ साइलेंसर फिट करके, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी पक्का, और बाद में उसका प्रोसेस कर दे। तो साइलेंसर लगा दो, और फिर भी एक बार दिखाते हैं कि साइलेंसर जाम किस तरीके से होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है जब भी। साइलेंसर फ्रेंड्स एक बार फिर से हमने लगा दिया है आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके का नॉइस रहता है, किस तरीके का फायरिंग रहता है गाड़ी, और सेल्फ किस तरीके से लेती है, और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है।
तो एक बार तो हमने साइलेंसर निकाल के चालू करके दिखाया आपको, अभी साइलेंसर लगा हुआ है, गाड़ी का मीटर आप देख सकते हो परफेक्टली है, यहाँ पे सीएनजी का भी परफेक्टली पेट्रोल पे है। लगाते हैं सेल्फ, आप देख सकते हो चालू होके बंद हो जा रही है, हल्का सा स्टार्ट है लेकिन बंद हो जा रही है, पूरा रेस देते हैं फ्रेंड्स, फिर भी इस तरीके का नॉइज रहेगा। गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन हल्की सी धीरे धीरे आरपीएम में चल रही है, लो आरपीएम में, और नॉइस इनलेट से खराब सा नॉइस आएगा, जैसे एग्जस्ट निकल नहीं पा रहा है, इनलेट अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है, तो वही हमें ध्यान में रखना है जिस गाड़ी के अंदर इस तरीके की दिक्कत रहेगी। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये फ्रेंड्स साइलेंसर के अंदर दिक्कत है, आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया। अब साइलेंसर निकाल के उसका कैटलिक कन्वर्टर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, या तो फिर आप न्यू साइलेंसर भी डाल सकते हो, अगर न्यू साइलेंसर बहुत महंगा है इसका कंपनी का तो आप आफ्टर मार्केट डाल सकते हो, इसके अंदर ओनली फॉर लोखंड का पाइप रहेगा, कैटलिक कन्वर्टर नहीं आएगा। तो हम इस गाड़ी के अंदर कैटलिक कन्वर्टर निकाल रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये साइलेंसर है और इसके अंदर कैटलिक कन्वर्टर टूट गया या जाम हो गया, मैं आपको वीडियो से दिखाता हूँ। आप देख सकते हो टूटा हुआ पार्ट है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स साइलेंसर के अंदर मिट्टी टूट गई है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट निकाल रहे हैं, वरना जो पूरा जाम रहता है और कंप्लीट टूटा हुआ नहीं है तो उसको काट के निकालते हैं, तो ये मिट्टी निकाल रहे हैं अभी। इस तरीके का कैटलिक कन्वर्टर रहता है फ्रेंड्स, इस तरीके का रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जला हुआ है, ये टूट गया है, तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है तो ये जाम हो जाता है, इस तरीके की वजह से इस तरीके रहेगा तो धुआं बाहर नहीं निकल पाएगा, निकलेगा तो हल्का सा भी, पूरा जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, और ये निकाल रहे हैं। आप देख सकते हो ये यहाँ पे जला हुआ है, इस तरीके का रहना चाहिए कंप्लीट खुला, लेकिन ये जल गया है, इसके अंदर से एयर पास नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से इसे निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स साइलेंसर के अंदर से मिट्टी निकाल लिया है और अभी आपको मैं दिखाता है, अभी कुछ नहीं इसका साइलेंसर के अंदर, तो इसको फिट करने वाले हैं। अभी जो कैटलिक कन्वर्टर था वो निकल दिया है हमने, तो गाड़ी के अंदर जो धुआं यहाँ से निकलेगा वो पीछे आराम से निकल जाएगा, तो लगा दो फिट कर दो इसको। तो फ्रेंड्स साइलेंसर को कैटलिक कन्वर्टर निकालने के बाद हमने लगा दिया है यहाँ पे परफेक्टली, और अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो पहले की तरह लाइटें बैठे सभी ओके, गाड़ी यहाँ पे पेट्रोल में स्टार्ट होने के बाद सीएनजी में जाने वाली है, तो गाड़ी को हाफ सेल में स्टार्ट है, यहाँ से पहले जो नॉइस आ रहा था इनलेट का वो आप उसको सुन सकते हो, वो चेंज हो चुका है, और जो कैटलिक कन्वर्टर निकल गया तो साइलेंसर का एग्जस्ट का भी नॉइस चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स पहले जो साइलेंसर जाम था तो इनलेट में से जो एयर क्लीनर के पास जो हवा वैक्यूम होना चाहिए वो हो नहीं रहा था, और उसका यहाँ से एक नॉइस आ रहा था अलग तरीके, और अभी गाड़ी एकदम परफेक्ट है, लेंगे इसका ट्रायल। हाफ सेल में स्टार्ट है, चलो सीट लगा दो। मारुति सुजुकी ओमनी के अंदर फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम था, कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, और हो रही थी तो स्टार्ट होने के बाद बंद हो जा रही थी, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, पहले गाड़ी जा रही थी तो एक बार बंद हुई, पहले ताकत कम हो गई, उसका जो पिकअप पावर होना चाहिए वो कम हो गया था,
तो इस गाड़ी के अंदर हमने कैटलिक कन्वर्टर निकाल दिया है और गाड़ी एकदम परफेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मोर मोटिव चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।